वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वार्टरली। ओके, तो पिछले दो वीडियो आप नहीं देखे तो जाकर देख लेना, पार्ट वन पार्ट टू। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्सेस थ्री इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टरली के बारे में। तो चलो एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, पहले उसको हम लॉन्ग मेथड में करेंगे, देन उसी सवाल पर हम यूज़ करेंगे क्वार्टरली, मतलब जो फॉर्मूला का मेथड। ओके, राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सवाल ये है कि हमें पी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 24,000, ठीक है, और हमें बच्चे यहाँ पर टाइम गिवन है 6 मंथ। कितना गिवन है टाइम, हमें 6 मंथ्स गिवन है। ओके, अच्छा, और सवाल में क्या गिवन है, हमें आर की वैल्यू हमें गिवन है 8% पर एनम, राइट। अच्छा, तो जैसे पता है आपको क्वार्टरली करने वाले हैं हम, तो पी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। टाइम आपका जो है यहाँ पर देखो, टाइम मंथ में, तो पहले उसको ईयर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाई 12 करो, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं, टाइम के साथ 4 हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ईयर में, पहले जो मंथ था 6 मंथ में था, पहले मैंने उसको ईयर में कन्वर्ट किया, कैसे ना, डिवाइड 12 किया। जैसे ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, फिर मैंने मल्टीप्लाई 4 कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल जो मैं आपको रूल समझाया था। तो इसको आप सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा आपका 2। तो इसका मतलब कितना आंसर होगा, 2 क्वार्टर। कितना हो गया बच्चों, 2 क्वार्टर, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर 8% पर आना है, जिसको हमें डिवाइड कर दूंगा बच्चों किससे, 8% को डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से आया 2%, तो 2% यहाँ पर क्या आया, पर क्वार्टर, राइट। आगे बढ़ें, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हो पहले से। ओके, तो लॉन्ग मेथड से कैसे इस सवाल को हम बनाएंगे, इस सवाल को लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, देन हम पुट करेंगे फॉर्मूला मेथड, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग मेथड। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर का निकाल लेते हैं पहले, फर्स्ट क्वार्टर का। तो हेडिंग मैंने यहाँ पर डाला फर्स्ट क्वार्टर, तो हमें कितने, 2 क्वार्टर निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर तो हमें ऐसा ही निकालना है, तो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, पी कितना है हमारा 24,000, आर कितना है बच्चों, अब हम आर यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे और टाइम आपका 1 है बाय 100। तो इसको आप सॉल्व करो, यह सॉल्व करो, कितना आ गया ऐसा ही आपका, तो 24 इंटू 2 यहाँ पर आपका हो गया 48। तो यहाँ पर 48 में 10, तो यहाँ आपका ऐसा ही कितना आ गया, 480। अब हम अमाउंट निकाल देंगे, पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई अमाउंट निकाल देंगे। तो अमाउंट पी प्रिंसिपल कितना है 24,000, ठीक है, एस आई कितना है 480। तो इसको सॉल्व करने से आ गया आपका 24,480, ये आपका हो गया अमाउंट, राइट। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये अमाउंट आपका सेकेंड क्वार्टर का क्या बन जाएगा, आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर का हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्टली हमें पता है जो फर्स्ट क्वार्टर का जो अमाउंट सेकेंड क्वार्टर का प्रिंसिपल बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा ही निकाल लेते हैं, पी की वैल्यू कितना, ये जो अमाउंट है वही वो पी की वैल्यू होगी। ये आपका पी रहा 2480, आर कितना है आपका 2%, टाइम आपका 1/100, ये तो यहाँ पर से कटा। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात, इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो तो अब सिंपल से एक काम करो, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 244 मल्टीप्लाई विथ 2 करो, 244 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 488 आएगा। इसको इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 488 आएगा। आप डिवाइड बाय 10 कर लो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48.8 आपका आ जाएगा एसआई, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अमाउंट निकाल देंगे, पी प्लस एसआई। तो पी कितना है हमारा, 24480 प्लस एस आई कितना है हमारा, 48.8। ओके, अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा अमाउंट का, चलो उसको यहाँ साइड में कर लेते हैं, प्लस 24480.00 और यहाँ पर 48.80 प्लस करो, ये हुआ 0, ये हुआ 8, ये हुआ 8, 8 4 12, और ये 5, ये 4, ये 2। तो यहाँ पर कितना आया, ठीक है, एक मिनट, कुछ गलती हो गई क्या, यहाँ पर पहला कितना था 24,000, एक मिनट बच्चों, शायद कुछ गलती हुई, एक मिनट में देख लेता हूँ। यहाँ पर 24,000 था, 8% मतलब कितना हो जाएगा, 2% यहाँ पर क्वार्टर हो गया। 2% के हिसाब से मैंने यहाँ पर डाला 24, 2 4 4 2 8 480, राइट। यहाँ पर हमारा निकला एस आई, फिर अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट यहाँ पर निकला हमारा पी प्लस 24,000 प्लस 480 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 24,480, फिर 24,400। अच्छा यहाँ पर बच्चों मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर मैंने 8 था ना, मैं यहाँ पर 244 कर दिया, यहीं पर इसे गलती हो गया, सॉरी। चलो इसको चेंज कर लेते हैं,
हमारे यहाँ पर कितना था, 2448 था ना, मैंने 8 को कैलकुलेट नहीं किया। ओके अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यहाँ पर आंसर सॉरी 5 4896 आएगा। ओके कितना आएगा, 4896। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपका एसआई कितना हो जाएगा, 489.6 हो गया। एसआई कितना हो गया, 489.6। तो यहाँ पर भी चेंज कर दो, 489.6 इसको हम काट देते हैं, फिर से हम करते हैं 24480.00 और यहाँ पर कितना, 489.60। अब करो, ये 0, ये 6, ये 9 हो गया, 8 8 16 कैरी 1 9 हो गया, ये 4, ये 24, ये हो गया आपका अमाउंट, राइट। ठीक है, ये आपका अमाउंट होगा 24969.60, ये आपका हो गया अमाउंट। तो उसके बाद सी ए भी आप निकाल सकते हो, ए माइनस पी कर देना आप, ए कितना है आपका 24969.60, माइनस कर देंगे 24000 स्टार्टिंग वाला, तो ये आपका माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 969.60, ये आपका हो गया बच्चों सी आई। क्लियर है, यहाँ पर अमाउंट निकला, यहाँ पर सी आई निकला। तो ये तो मैंने लॉन्ग मेथड से आपको बताया, अब इसको हम फॉर्मूला मेथड से कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ, वो भी देखो। देखो फॉर्मूला मेथड, वही सेम क्वेश्चन, देखो मैं वही सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, पी की वैल्यू है 24000। अब फॉर्मूला मेथड, आप यहाँ पे हेडिंग दे दो फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड, राइट। और टाइम हमारा जो 6 मंथ जो है क्वेश्चन में वही लिखा मैंने, और आपका जो आर जो है वो 8%। तो जो भी स्टार्टिंग में जो यहाँ पर मैंने लॉन्ग मेथड में जो चेंजेस किए थे, आपको वही सेम चेंजेस यहीं पर करनी होगी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 क्वार्टर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपको 2% पर क्वार्टर, राइट, 2% पर क्वार्टर। तो वही सेम फार्मूला, आपको कुछ अलग नहीं मैं बता रहा हूँ, सेम फार्मूला अमाउंट का, पी ब्रैकेट में 1 + R/100 टू दी पावर यहाँ पर कितना n, पी की जगह क्या लिखेंगे 24000 लिखेंगे, यहाँ पर 1 + R की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2/100 टू दी पावर n की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, अब इसको काटो, ये तो कट जाएगा 50 से कटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24000 ब्रैकेट में यहाँ पर कितना, सॉल्व करो इसको, यहाँ पर आपका हो जाएगा 51/50 होगा, इसका एलसीएम लेकर करोगे तो इतना आएगा पावर यहाँ पर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया आपका 24000 मल्टीप्लाई, अब 51/50 मल्टीप्लाई विद 51/50 करना है आपको, 0 0, ये 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर यहाँ पर उतना ही आएगा 24969.60, इतना ही आपका आ जाएगा, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपका अमाउंट मिल गया, ये है आंसर आपका। इसको सॉल्व करो आगे, आपको यही आंसर मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद सी आई निकाल देना ए माइनस पी करके, ठीक है, 24969.60 फिर माइनस 24000, वही आपका सी आई यहाँ पर कोई कितना आएगा 969.60 है, वही सेम आएगा। तो आपने देखा लॉन्ग मेथड से थोड़ा सा मतलब टाइम लगा, फॉर्मूला मेथड से जल्दी बन गया आपका। ओके समझ में आ गया, और जो स्टार्टिंग में जो समझाया था मैंने फर्स्ट पार्ट में कि जो लॉन्ग फॉर्मूला मेथड का जो 2 फॉर्मूले हैं सी आई का, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट सी आई पुट करना, डायरेक्ट आपको सी आई निकल जाएगा, फिर अमाउंट निकालने के लिए फिर आप पी प्लस सी आई कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा फॉर्मूला मेथड, तो बस इसी तरह वीडियो को देखते रहो। तो आज हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, इंट्रोडक्शन सेशन आज ख़त्म हो गया, ये लास्ट पार्ट था हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन, जो वर्कशीट 3 का जो भी क्वेश्चन सब होगा वर्कशीट 3 आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना भी मुझे आपको समझाना था मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि फॉर्मूला मेथड से चीज़ें आसान हो जाती है, बस आपको ये है कि आपको स्क्वायर्स ये सब याद रखना होगा, ठीक है। बट लॉन्ग मेथड में क्या होता है, स्क्वायर्स इतना उसका कुछ झंझट नहीं होता है, बट आपको यहाँ पर स्क्वायर्स अगर कुछ आपको याद रख लोगे ना तो आपको लॉन्ग मेथड से आसानी से निकल जाएगा आंसर। बट मैक्सिमम बच्चों आपको बता दूँ लॉन्ग मेथड से यूज़ नहीं करते हैं, इसी मेथड से फॉर्मूला मेथड से यूज़ किया जाता है। ओके मैं भी जो बच्चों को बताता हूँ फॉर्मूला मेथड बोलता हूँ कि फॉर्मूला मेथड ही प्रीफर करो, वो बेस्ट है। ओके बट आपको इतना करना है कि आपको फॉर्मूला मेथड के जानने के लिए आपको पहले टेबल्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होना चाहिए अच्छी तरह से, पूरा पूरा अच्छी तरह से, और 25 तक टेबल आप अच्छी तरह याद कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। ओके आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।